मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दुर्घटना के मजिस्ट्रियल जांच के लिए दिए आदेश, घायलों को बेहतर उपचार और 1,00,000 रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचकर श्री महाकालेश्वर मंदिर में हुई दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से चर्चा कर दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली और आश्वासन किया कि उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार और हर संभव राहत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से बड़ी दुर्घटना का संकट टला है, किंतु ये दुर्घटना दुखद और चिंता का विषय है। मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है, घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, ये प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बेहतर प्रबंध किए जाएंगे। संपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। घायलों को बेहतर उपचार के साथ 1,00,000 रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्री महाकालेश्वर मंदिर की दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होते ही अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर त्वरित रूप से घटना में हुए घायलों में मिलने पहुंचे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचे थे। बताया गया कि महाकाल मंदिर में आग लगने की दुर्घटना में 14 लोग घायल हुए, जिसमें सर्व श्री रमेश रघुनाथ, चिंतामणि भागीरथ, शुभम कांतिलाल, महेश सेवाराम, संजय गणेशलाल, विकास घनश्याम, मनोज घनश्याम, आनंद सुनील, राजकुमार छत्तर सिंह, अंश नीरज शर्मा, सोनू कैलाश राठौर, कमल गायत्री राव और मांगीलाल शिवराम आहत हुए। श्री अंश, सोनू, राठौर, कमल और मांगीलाल जिला अस्पताल में उपचारत हैं। शेष को अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में इलाज जारी है। सभी की स्थिति सामान्य है। मैं सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है शुरू से, होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है, मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो जो घायल हुए, मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई हमने कहा कि कम से कम 1,00,000 रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। जैसे बाबा महाकाल सब पे कृपा करेंगे, लेकिन होली के पावन पर्व पर यह घटना होना बहुत दुखद है। मुझे मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है, लेकिन अब परेशानी ये है कि आज की इस अवस्था में पहले हमको मरीजों को अच्छा करना जरूरी है। भगवान की दया से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन रंग के डलने से डॉक्टरों को भी कठिनाई आ रही है कि वो कहाँ कहाँ जला है नहीं जला है पहचान में आने के लिए। लेकिन अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सब ठीक होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।